हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 17 एस डिवाइस को रिसेट कैसे करें। दोस्तों आप अपने फोन को रिसेट कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो चल गए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप अपने फोन को रिसेट करते हैं तो जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाता है, आपका फोटो वीडियो आईडी है सब कुछ वहाँ पे डिलीट हो जाता है। दोस्तों आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम आता है, इस करके आप अपने फोन को रिसेट करते हैं। दोस्तों आपके फोन में क्या प्रॉब्लम है, अगर उसके हिसाब से अपने फोन को रिसेट करेंगे तो हो सकता है जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। तो चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन को रिसेट करना है। दोस्तों उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हम अपने सेटिंग को यहाँ पे ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है, और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा सिस्टम, तो आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिस्टम का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है रिसेट ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है येलो ऑप्शन पे। और जैसे भी इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको चार ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। दोस्तों आपके अगर ब्लूटूथ में कोई दिक्कत आ रहा है या आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आपका वाईफाई ऑन ऑफ नहीं हो रहा है या वहाँ पे पासवर्ड नहीं ऐड हो रहा है, इस तरह का कोई भी आपके फोन में दिक्कत आ रहा है तो आप ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके रिसेट करेंगे, आपका जो डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसेट सेटिंग, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर करना है, जो आपका नेटवर्क है वो रिसेट हो जाएगा और आपके फोन से कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, ना ही आपका फोटो वीडियो आईडी, कोई भी चीज आपके फोन से डिलीट नहीं होगा। सिर्फ जो आपका वाईफाई का पासवर्ड है वो डिलीट होगा, आपके वाईफाई में फिर से पासवर्ड देना होगा और इसके बाद आप दूसरे वाईफाई को कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें आम है, आप इसको आसानी से अपने फ़ोन में कर पाएंगे और जो आपका डाटा वो डिलीट नहीं होगा। यहाँ से हम बैक होते हैं, नीचे एक ऑप्शन और आपको मिलता है रिसेट ऐप। दोस्तों आपके अगर कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है या आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता या आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है, ऐसा कोई दिक्कत आपके एप्लीकेशन में आ रहा है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिसेट करेंगे। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं रिसेट ऐप्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद अपने स्क्रीन लॉक का पासवर्ड एंटर कर देना है, जो आपका एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और आपके जो डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। यहाँ से हम बैक होते हैं, नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है रिसेट ऑल सेटिंग। अगर आपके सेटिंग में कोई गलत सेटिंग हो गया या आप कोई गलत सेटिंग ऑन कर लिया, आप उसको सही नहीं कर पा रहे हैं या आपके फ़ोन में कुछ गलत सेटिंग ऐसा हो गया जिसको आप जान नहीं पा रहे हैं या आपको काफ़ी दिक्कत हो रहा है अपने सेटिंग से, अगर आपके प्रॉब्लम जो आपकी है वो अपने सेटिंग से है तो आप अपने सेटिंग को रिसेट करेंगे। यहाँ पे आपको मिलता है रिसेट ऑल सेटिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसेट ऑल सेटिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे आप अपने पासवर्ड को एंटर करेंगे जो आपका सेटिंग है वो रिसेट हो जाएगा, बिल्कुल नए फोन के जैसा जो आपका सेटिंग है यहाँ पे हो जाएगा और जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा, जो आपका फोटो वीडियो आईडी है कोई चीज़ आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होगा। यहाँ से हम बैक होते हैं, नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है एरेज ऑल डाटा। दोस्तों अगर आपका फ़ोन हैंग करता है या जो आपका मेमोरी है वो फुल हो चुका है, आप अपने फोन मेमोरी को जब भी चेक करते हैं वो फुल बताता है, वहाँ से कोई चीज़ डिलीट करते हैं तब भी आपका जो मेमोरी है वो फुल है, यानी आपके फ़ोन में कोई दिक्कत आ रहा है हैंगिंग प्रॉब्लम, तो आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं एरेज ऑल डाटा, आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने फ़ोन का जो स्क्रीन लॉक का पासवर्ड है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, जो आपका फ़ोन है वो रिसेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो आपका डाटा सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जो आपका फोटो वीडियो आइडिया सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जो आपका फ़ोन है बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपके फ़ोन में कोई भी चीज़ नहीं बचेगा और आपका फ़ोन बिल्कुल नए फ़ोन के जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन को रिसेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन को रिसेट करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।